हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। टू लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का जो टॉपिक है हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है पॉलिनेशन। पहले पॉलिनेशन डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट में बनते हैं उसको जो फीमेल पार्ट का स्टिग्मा है उस तक ट्रांसफर होना वो कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, तो अगर हम देखें पॉलिनेशन तो बेसिकली पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगैमी भी कहते हैं, ठीक है? क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगैमी भी कहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें पॉलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होंगे या तो सेम फ्लावर पर ट्रांसफर होंगे या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर या फिर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करोगे लेकिन सेम प्लांट पर। इसमें क्या है, पॉलन्स आर ट्रांसफर्ड From anther to stigma of same flower or other flower of same plant, राइट? किसी दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होंगे लेकिन सेम प्लांट में होगा वो, यानी सेम प्लांट में हो रहा है तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन आता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे एंथर से वो स्टिग्मा में ट्रांसफर होंगे किसी दूसरे फ्लावर के, जो कहां होगा किसी दूसरे प्लांट पर होगा, यानी एक प्लांट से एक प्लांट में जो फ्लावर लगा हुआ है उसके एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे किसी दूसरे प्लांट पर लगे हुए फ्लावर में। तो यहां पर क्या है, पॉलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। राइट, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, जो किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं किसी दूसरे प्लांट में जो दूसरा फ्लावर लगा हुआ है कोई अदर फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ज़ेनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहते हैं। अब इन दोनों के हम टाइप्स डिस्कस करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर कितने टाइप्स का है, क्रॉस पॉलिनेशन कितने टाइप्स का है, राइट? तो अब सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हम स्टडी करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है सेल्फ पॉलिनेशन। एक तो होता है क्या, ऑटोगैमी, एक होता है जीटोनोगैमी। जी राइट, ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी मीन सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या देखा था, या तो सेम फ्लावर पर होगा ट्रांसफर या किसी दूसरे फ्लावर पर सेम प्लांट में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पर, ठीक है? तो सेम फ्लावर है तो ऑटोगैमी और डिफरेंट फ्लावर है तो जीटोनोगैमी, राइट? तो क्या हो गया, यहां पर पॉलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टिग्मा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर। तो
तो यहां पर कहा हो रहे हैं, सेम फ्लावर में अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम प्लांट होगा सेम फ्लावर होगा तो क्या कहलाएगा, ऑटोगैमी कहलाने वाला है। इसका एग्जांपल आता है क्या, पी वीट और राइस, जिसमें कि सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो ऑटोगैमी होता है, यानी सेम फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं सेम फ्लावर में एंथल से स्टिग्मा पर। दूसरा आता है जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी में क्या है, पॉलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथल ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। राइट, तो सेम प्लांट में ट्रांसफर होने वाला है यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स है, कहां पर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होंगे, लेकिन होगा क्या, सेम प्लांट होगा, तो जिटोनोगैमी कहलाएगा ये पार्ट जो है, जो इसका एग्जांपल आता है मेज और कॉर्ड, मेज और कॉर्ड में जिटोनोगैमी होता है। राइट, अब क्रॉस पॉलिनेशन देखते हैं उसके टाइप्स। अच्छा, इसके लिए जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है, हम कंडीशन और पहले स्टडी कर लेते हैं फिर हम क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप स्टडी करते हैं। राइट, अब क्या कंडीशन है नेसेसरी, कंडीशन नेसेसरी फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है, फर्स्ट है होमोगैमी। होमोगैमी मीन क्या होता है, एंथर्स एंड स्टिग्मास अटेन मैच्योरिटी एट द सेम टाइम इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन है, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब सपोज कीजिए जब स्टिग्मा मेच्योर ही नहीं है, एंथर से पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए, लेकिन अगर स्टिग्मा मेच्योर ही नहीं होगा तो कैसे फिर फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसलिए दोनों की मेच्योरिटी सेम टाइम पर होनी चाहिए, एंथर की भी और जो फीमेल पार्ट है उसकी भी, मेल और फीमेल पार्ट दोनों की मेच्योरिटी है वो सेम टाइम पर, यानी कार्पल भी उसी टाइम पर डेवलप होना चाहिए जब एंथर डेवलप है। राइट, तो मेल फीमेल पार्ट सेम टाइम डेवलप होने चाहिए, तो एंथर्स एंड स्टिग्मास अटेन मैच्योरिटी एट द सेम टाइम इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। राइट, तो ये होमोगैमी में होता है। तो दूसरा क्या है, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या है, फ्लावर्स नेवर ओपन टू एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन्स एंड पोलन फॉल ऑन, पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है, सेकंड केस में फ्लावर जो है ओपन ही नहीं होता है, ओपन नहीं होगा तो सेक्सुअल पार्ट एक्सपोज ही नहीं होंगे, यानी पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर में तो जा ही नहीं सकता है, तो सेम फ्लावर में ही पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पर, फीमेल पार्ट पर, जो फीमेल पार्ट है उसके स्टिग्मा पर, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लावर क्लोज्ड ही है, तो अंदर से ही उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है क्लिस्टोगैमी। राइट, तो ये दो कंडीशन है बेसिकली जो नेसेसरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो टाइप्स हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, हम वी आर डिस्कसिंग नाउ द टाइप्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन विच इज आल्सो कॉल्ड ज़ेनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन जो है, देयर आर टू एजेंसीज बाय विच क्रॉस पॉलिनेशन इज डन, तो किन दो एजेंसीज के थ्रू हो रहे हैं, एक तो होता है एबायोटिक एजेंसीज, एबायोटिक एजेंसीज, और दूसरा है क्या, बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक एजेंसीज एंड बायोटिक एजेंसीज, जो एबायोटिक एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं इसमें, तो सबसे वन नंबर पर आता है एनिमोफाइली, एनिमोफाइली क्या होता है, एनिमोफाइली इट इज पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एनिमोफाइली कहते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड। इसका जो एग्जांपल आता है क्या, क्या जाते हैं,
वीट, राइस, कोकोनट, मेज, डेट पाम, ये सारे के सारे एग्जांपल आते हैं इसके एनिमोफाइली के। अब एनिमोफाइली होने के लिए कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए प्लांट में, तो एनिमोफाइली के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स है जो प्लांट में होने चाहिए, वो कैरेक्टर्स हैं, वन नंबर, एक तो इसके जो प्लांट्स हैं जो पॉलन फ्लावर होगा वो नेक्टर वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है, वहां पर शो भी नहीं होते हैं फ्लावर्स, तो और इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं आर ड्राई एंड अनवेटेबल। अब एयर से ट्रांसफर होंगे, ड्राई रहेंगे, मींस अगर मॉइस्चर भी है एयर में तो वहां से वेट हो जाएंगे तो भारी हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं, तो क्या होता है ड्राई होते हैं अनवेटेबल होते हैं, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा जो स्टिग्मास होता है, स्टिग्मास आर स्टिकी, तो स्टिग्मा जो होगा जो कि कैच करेगा पॉलन ग्रेन्स को, स्टिकी होगा और हेयरी होगा जिससे कि वो पॉलन ग्रेन्स को कैच कर सके, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर्स हो गए इस केस में, आगे एनिमोफाइली के केस के लिए देयर आर टू कैरेक्टर्स है बेसिकली। जो एनिमोफाइली के बाद जो सेकंड नंबर आता है दैट इज हाइड्रोफाइली। हाइड्रोफाइली क्या है, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी जो पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर होंगे एंथर से स्टिग्मा पर, उसका जो एजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर, वाटर में जाके पॉलन वाटर में गिर जाएंगे, वहां से वो फीमेल पार्ट तक यानी स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे, तो पॉलिनेशन बाय वाटर अगर है तो क्या है वो हाइड्रोफाइली कहलाता है। हाइड्रोफाइली को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, राइट पहला जो कैरेक्टर आता है वो हाइपो हाइड्रोगैमस, हाइपो हाइड्रोगैमस टाइप। इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होता है वो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। यहां पर जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर सरफेस के नीचे होता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल आता है सीरेटोफाइलम है बेसिकली एग्जाम्पल, सीरेटोफाइलम। दूसरा एग्जाम्पल भी है जोस्टेरा, सीरेटोफाइलम और जोस्टेरा, ये दो एग्जाम्पल आ जाते हैं हाइपो हाइड्रोगैमस टाइप के। दूसरा होता है जो बी टाइप है इसका, वो एपी हाइड्रोगैमस टाइप। एपी हाइड्रोगैमस टाइप में क्या होने वाला है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस, जैसे पानी का सरफेस है इसके ऊपर होगा एपी हो गया, और इसके पानी के सरफेस के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हाइपो हाइड्रोगैमस है। तो यहां पर क्या है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, पॉलिनेशन जो होगा वो कहां होने वाला है, ओवर द सरफेस ऑफ वाटर होने वाला है। जो इसका एग्जांपल आ जाता है दैट इज वैलिसनेरिया, वी ए डबल एल आई एस वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया, इसको टेप ग्रास भी कहते हैं, टी ए पी ई टेप ग्रास, जी आर ए डबल एस, राइट, टेप ग्रास भी कहते हैं, वैलिसनेरिया टेप ग्रास। तो ये किसका, एपी हाइड्रोगैमस टाइप जो है, हाइड्रोफाइली का एग्जांपल है, दो टाइप का है,
जो हाइड्रोफाइली है हाइपोहाइड्रोगैमस और एपीहाइड्रोगैमस, राइट, ये दो टू टाइप्स का है। अब जो हाइड्रोफाइली में प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टर होंगे, पॉलन ग्रेन्स के और स्टिग्मा के क्या कैरेक्टर्स होंगे, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं हाइड्रोफाइली के लिए प्लांट्स में क्या क्या कैरेक्टर होने वाले हैं। वन नंबर, जो पॉलन ग्रेन्स, एक तो लाइट होने चाहिए जो वाटर पर तैर सके, स्विम कर सके, राइट, और लाइट और साथ में उस पर वैक्स लगा रहेगा, वैक्स प्रेजेंट रहेगा जिससे कि वो अनवेटेबल भी रहेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड कवर्ड विद वैक्स, वैक्स से कवर रहेंगे, राइट, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे जिससे कि वो स्टिग्मा तक पहुंच सके। और दूसरा जो कैरेक्टर है स्टिग्मा, स्टिग्मा का क्या कंडीशन रहने वाला है, स्टिग्मा भी अनवेटेबल होने चाहिए, राइट, स्टिकी होना चाहिए जिससे कि वो पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सके, पकड़ सके। स्टिग्मास आर स्टिकी एंड अनवेटेबल, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या होगा हाइड्रोफाइली में, स्टिग्मा स्टिकी होगा, अनवेटेबल होने वाला है, राइट। तो नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे, अभी हमने देखा एबायोटिक एजेंसी, बायोटिक एजेंसी कौन कौन सी है, इसमें बायोटिक एजेंसी में जो फर्स्ट पार्ट आता है एंटोमोफाइली, एंटोमोफाइली क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें एक तो सेंट फ्रेग्रेंट होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रेग्रेंट होते हैं, तो क्या है इसमें, फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट एंड ओमिट सेंट ऑर्डर, यानी स्मेल कुछ प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल आता है सेस्ट्रम और जैस्मिन, सेंट ऑमिट करने के केस में जो एग्जांपल आ गया है सेस्ट्रम एंड जैस्मिन, राइट। फिर क्या रहता है, जो इनके पेटल्स हैं वो ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं, फ्लावर्स में पेटल्स आर ब्यूटीफुली कलर्ड, राइट, कुछ फ्लावर्स में क्या रहता है पेटल्स ब्यूटीफुली कलर्ड होते हैं जिससे कि इंसेक्ट उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल आता है जैसे हिबिस्कस, हिबिस्कस होता है गुड़हल होता है गुड़हल, तो हिबिस्कस इसका एग्जांपल आ जाता है। नेक्टर प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट्स की फीडिंग के लिए, नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स में, नेक्टर भी प्रोड्यूस होता है। तो इससे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं इसके वन बाय वन, और कुछ एग्जांपल भी है इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल है एंटोमोफाइली का, यक्का प्लांट होता है, तो इसमें क्या होता है कि यक्का मौत होता है, इंसेक्ट होता है यक्का मौत, प्रोन्यूबा यक्का सैला साइंटिफिक नाम है इस मौत का। ये क्या काम करता है, बोर्स होल इन द ओवरी, जो फ्लावर की ओवरी होती है प्लांट की, फ्लावर की ओवरी वहां पर होल करता है और वहां पर ही अपने एग्स ले करता है, अपने एग्स जो है वहां पर देता है ये जाकर के, राइट। इट ऑल्सो कलेक्ट द पॉलन्स फ्रॉम सेवरल फ्लावर्स, ये कई सारे फ्लावर से पॉलन्स भी कलेक्ट करता है, तो वो पॉलन्स क्या होंगे, ये फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं इसके थ्रू ही, तो वहां से पॉलिनेशन हो जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आगे। तो यक्का मौत भी इसका एक एग्जाम्पल आ गया, यक्का प्लांट में यक्का मौत के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, राइट।
जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है एंटोमोफाइली का वो आता है फिग। इसमें जो फ्लावर होता है फिग का जो फ्लावर होता है वो एक्चुअल में इसमें इन्फ्लुएंस होता है हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम इन्फ्लुएंस होता है। ये इस तरह से क्लोज रहेगा। इसमें तीन तरह के फ्लावर होते हैं, कौन कौन से, मेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा, गॉल फ्लावर होगा। जो मेल फ्लावर होंगे वो कहां रहते हैं, जो हाइपेंथोडियम होता है, जैसे यहां पर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं अलग अलग, ठीक है, ये फ्लावर्स लगे हुए हैं यहां पर, तो जो मेल फ्लावर्स होंगे वो टॉप पर रहेंगे, ठीक है, सबसे टॉप पर जो मेल फ्लावर होंगे। फिर दूसरे लेयर में क्या रहेगा, फीमेल फ्लावर्स लगे रहेंगे, ये फीमेल फ्लावर्स होंगे, और सबसे नीचे गॉल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करके दिखा दिया, जैसे क्या है, गॉल फ्लावर्स लगे हुए हैं सबसे नीचे। जो गॉल फ्लावर्स क्या है, स्टराइल फीमेल फ्लावर्स, एग प्रोड्यूस नहीं होंगे, स्टराइल है वो, राइट। तो तीन तरह के फ्लावर्स लगे रहते हैं। अब जो इसमें जो पॉलिनेशन करता है वो कौन करता है, गॉल वेस्प करता है, ब्लास्टोफेगा। तो ब्लास्टोफेगा जो गॉल वेस्प है वो यहां से इधर एंटर करता है, जब एंटर करता है यहां से तो ऊपर पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट है यहां पर, और क्या कहते हैं, जो मेल पार्ट है, मेल फ्लावर लगे हुए हैं वहां पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहेंगे, तो पोलन ग्रेन्स इसके इस पर लग जाएंगे जो ये गॉल वेस्प है। अब ये अंदर एंटर करता है तो, लेकिन यहां पर जो फीमेल फ्लावर्स हैं उसमें स्टाइल्स लंबे होते हैं, लॉन्ग स्टाइल्स होते हैं, तो इसके कारण से यहां अटैच नहीं हो पाते हैं इसके जो पोलन ग्रेन्स लगे हैं, और ये जाकर के लोअर पार्ट में जहां गॉल फ्लावर्स होते हैं ना वहां पर जाकर के ये अपने जो क्या कहते हैं एग प्रोड्यूस करता है, राइट। फिर जब यहां से दूसरे किसी फ्लावर में जाएगा तो पोलन ग्रेन्स इसके लेग्स पे लगे हुए हैं, तो यहां से क्या होगा, दूसरे प्लांट्स में जाकर के दूसरे फ्लावर्स में भी एंटर करेगा, तो वहां पर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स लगे हुए हैं इसके लेग्स में, तो ये वहां पर डस्टिंग कर देता है उनकी, और साथ में जब यहां से बाहर निकलता है, हिलते हैं जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उसके पैर से निकल के, वो क्या कहते हैं पोलन ग्रेन्स नीचे गिरते हैं, या दूसरे प्लांट्स में जा रहा है, दूसरे फ्लावर्स में जा रहा है, तो वहां पर भी जब ये बाहर निकलता है या अंदर एंटर करता है तो पोलन ग्रेन की डस्टिंग होती है, तो वो उसके फीमेल पार्ट पर जो स्टिग्मा है वहां पर गिरेंगे, और क्रॉस पॉलिनेशन होगा, दूसरे फ्लावर्स में जाएगा जैसे, तो क्रॉस पॉलिनेशन करता है बेसिकली ये जो कि फिग है, फिग में जो गॉल फ्लावर्स वेस्प है ब्लास्टोफेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली इन्वॉल्व होता है, सबसे नीचे जाके ये लोअर लेयर में जाकर के लोअर एंड में गॉल फ्लावर है वहां पर अपने एग ले करता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो थे वो किसके थे, एंटोमोफाइली के, यानी पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट्स। तो इसमें एंटोमोफाइली भी जैसे हमने डिस्कस किया, सेकंड नंबर पर आता है ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली क्या होता है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो कुछ बर्ड्स होती है, स्मॉल बर्ड्स होगी जैसे कि हमिंग बर्ड होती है, तो ये किन जैसे प्लांट्स हो गए हैं, कुछ कोरल ट्री हो गया है या सिल्क कॉटन ट्री हो गया है, तो वहां पर पॉलिनेशन करने में हेल्प करती है ये, वहां नेक्टर सक करती है, लगभग अपने वेट का हाफ तक की ये नेक्टर सक कर सकती है, तो इसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है बर्ड्स के थ्रू, ऑर्निथोफाइली। थर्ड केस आता है इसमें कायरोपटेरोफाइली। कायरोपटेरोफाइली में क्या हुआ है, पॉलिनेशन बाय बैट्स। बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जैसे प्लांट्स आ गए, एग्जांपल क्या है, किगेला पिनेटा और एंथोसिफेलस। कदम होता है, कदम प्लांट होता है एंथोसिफेलस, तो इनमें जो पॉलिनेशन बाय बैट्स होता है। अब क्या क्या कंडीशन है नेसेसरी, जो कि ज़ेनोगैमी के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जैसे कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी कंडीशन देखा था, तो यहां पर कौन सी कंडीशंस है रिक्वायर्ड वो डिस्कस करते हैं। तो जो कंडीशंस नेसेसरी है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन आपकी डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मीन्स होता है यूनिसेक्सुअलिटी, मीन्स फ्लावर्स हैव ओनली वन सेक्स। अब फ्लावर में एक ही सेक्स होगा, इस केस में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो मेल प्लांट से फीमेल प्लांट में जो भी है वो एंथर से जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो ट्रांसफर होते हैं, जैसे पपाया मलबेरी एग्जांपल आ गए हैं इसके। फिर नेक्स्ट आता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंथर्स एंड स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। अब एंथर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग टाइम पर डेवलप होते हैं। सपोज करो मेल पार्ट यानी एंथर तो डेवलप हो गया लेकिन फीमेल पार्ट तो डेवलप ही नहीं हुआ है, तो पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर हो भी जाएंगे तो वहां कुछ नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, तो वहां पर फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही होने वाला है। तो फर्दर ये टू टाइप्स का रहता है डाइकोगैमी। प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री में क्या होगा, एंथर्स यानी कि मेल पार्ट है वो डेवलप फर्स्ट, वो फर्स्ट डेवलप होगा, जैसे कि सनफ्लावर और कॉटन इसका एग्जांपल आ जाता है, मेल पार्ट पहले डेवलप होगा। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में क्या होगा, कार्पल्स डेवलप फर्स्ट, जो फीमेल पार्ट है वो पहले डेवलप होता है, जैसे एग्जांपल आ जाता है रेनेंटुलस है या फिर फोर ओ क्लॉक प्लांट है,
ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आते हैं प्रोटोगाइनी के। तो इस तरह से हमने पॉलिनेशन आज डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, थोड़ा ही पार्ट और बचा हुआ है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।